हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए इस वीडियो को सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 7 साइंस चैप्टर नंबर 6 फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस के लर्नर डायरी क्वेश्चंस को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे फर्स्ट है हमारा व्हाट यू लर्न, आपने इस चैप्टर से क्या सीखा। तो मैंने लिखा है आई लर्न दिस चैप्टर इज व्हाट इज फिजिकल एंड व्हाट इज एंड केमिकल चेंजेस, यानी कि फिजिकल चेंजेस और केमिकल चेंजेस क्या होते हैं, यही मैंने इसमें सीखा। ठीक है, फिर आता है हमारा व्हाट यू फाउंड चैलेंजिंग, आपको इसमें क्या चैलेंजिंग लिखा। तो मैंने लिखा आई, यहाँ पे आपका चैलेंजिंग होता है, मैंने यहाँ पे गलत लिख दिया है। ठीक है, यहाँ पे आपका चैलेंजिंग होगा, मैं आपको बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे जो टीलिंग है ना, ये आपका गलत है, यहाँ पे आपका ये वाला होता। ठीक है, चैलेंजिंग होता आपका यहाँ पे। ठीक है, तो चलिए कोई बात नहीं, आप यहाँ पे चैलेंजिंग लिखना, जहाँ पे मैंने ब्लू का क्रॉस बना दिया है ना, इस जगह पे आप चैलेंजिंग लिख दियो, ये वाली चीज़ आप यहाँ पे लिख दियो। ठीक है, तो आई चैलेंजिंग हिम फ्रॉम दिस चैप्टर, आई चैलेंजिंग हिम फ्रॉम दिस चैप्टर रस्टिंग ऑफ आयरन थ्रू वाटर इन एयर, यानी कि मुझे इसमें ये चैलेंजिंग लगा कि जो कि चैप्टर में ये चैलेंजिंग लगा कि रस्टिंग ऑफ आयरन, जब आयरन में जंग लगता है, ठीक है, लोहे में जंग लगती है, तो वो किसके कारण लगती है, वाटर और एयर के थ्रू। ठीक है, तो यही मुझे सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग लगा। फिर आता है हमारा व्हाट यू फाउंड इंटरेस्टिंग, आपको इसमें क्या इंटरेस्टिंग लगा। तो मैंने लिखा है आई इंटरेस्टिंग इन दिस चैप्टर एक्टिविटी 6.4 इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, यानी कि मुझे इसमें सबसे इंटरेस्टिंग ये लगा कि एक्टिविटी जो है 6.4 मुझे काफ़ी ज़्यादा जो है इंटरेस्टिंग लगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और इससे रिलेटेड रनर डायरी के वीडियोज़ को देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।